नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडी आईएएस परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एचडी मेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम सभी सब्जेक्टों को, यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो चारों जीएस पेपर के सभी सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक को हम क्वेश्चन आंसर के हिसाब से कवर करा रहे हैं, ताकि आपकी आंसर राइटिंग पर एक अच्छी पकड़ हो सके। आपको लिखने से पहले, यानी क्वेश्चन का, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सोचना ना पड़े, क्योंकि आप आईएएस के बारे में जानते हैं। यदि आप सीरियस हैं और 2024 या फिर 2025 में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको पता होगा, आपने यदि 10, 20 या यानी कि पूरा टेस्ट यदि आपने कभी लिखा है, तो आपको पता होगा कि टाइम की क्या वैल्यू होती है। वो प्रत्येक सेकंड, वो प्रत्येक मिनट आपके लिए क्या वैल्यू रखती है, ये आपको पता होगा। तो पेन रुकना आपके लिए कितना घातक साबित हो सकता है, ये आपको पता होगा। तो उसी तरीके की चीजें ध्यान में रखते हुए ये मेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें आपको क्वेश्चन की समझ से लेकर, यानी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहां से लेकर क्वेश्चन को हम कैसे समझे और फिर क्वेश्चन समझते कैसे दिमाग में चीजें लेके आए कि क्या क्या करना है, वहां से लेकर एक अच्छे आंसर लिखने तक, और आपका पूरा सब्जेक्ट को ऐसे तैयार कराने तक कि आपको सोचना ना पड़े। कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके पास उस तरह के पॉइंट हो, उसको लिखने के लिए आपके पास सारा मटेरियल हो, और वो भी कैसे, ऐसे नहीं कि किसी टॉपिक से क्वेश्चन आया है, उसमें 2000 वर्ड्स बताए गए हैं, 4000 वर्ड्स आपके पास हैं, और लिखना 150 या 200 या 250 के अंदर है, और आप ये सोच रहे हैं कि कैसे तो पृष्ठभूमि लिखूं, फिर मुख्य भाग में जो पॉइंट्स लिखने हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे, यानी मेरी प्रस्तुतिकरण कैसा होगा, प्रवाह कैसे लेके आऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखनी है, तो ऐसा सोचने में लग जाओगे, उसमें एक या दो मिनट भी निकली तो फिर क्वेश्चन छूटेंगे, और क्वेश्चन छूटे तो वो रहा, वो मंजिल छूट जाएगी। तो जो अपनी मंजिल नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो मेंस प्रोग्राम के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतने क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, सभी सब्जेक्ट प्रॉपर ऐसे कवर हो जाएंगे कि आपको लिखने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, आपके पास उस तरह से मटेरियल होगा, उस तरह से सारे पॉइंट हो जाएंगे। यदि आप पीजीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मेंस में आने वाले सभी सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस के अंदर हैं, उस हिसाब से यहाँ पर सभी सब्जेक्ट जो हैं वो कवर कराए जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचेगा कि चीजें सिर्फ आईएएस के लिए हैं, वो सभी सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं जो आईएएस के मेंस के अंदर आते हैं। तो वो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आपके सिलेबस के अनुसार हैं, बस आप उनको कवर करते चलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि ये हिस्ट्री से है, यानी कि जीएस फर्स्ट, तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस फर्स्ट से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, और यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। तो आइए शुरुआत करते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस की ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का प्रसार करने, विस्तार करने के संदर्भ में भूमिका का विश्लेषण कीजिए। सिंपल साधारण क्वेश्चन पूछा गया है, हमें इस तरह के पॉइंट्स प्राप्त होते हैं कि उन्होंने ऐसे क्या क्या कार्य किए हैं, उनकी भूमिका किस ओर, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विस्तार करने के लिए, प्रसार करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए जो है उन्होंने क्या क्या सुधार किए, कौन कौन से ऐसे कार्य किए जिससे उनका क्या हुआ, प्रसार हो गया, विस्तार हुआ, ठीक है, और फिर कुछ सीमाएं देख के जो है और फिर निष्कर्ष लेके चीजों को खत्म करेंगे। मगर वो जो पॉइंट्स होंगे आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होंगे, क्वेश्चन हार्ड बना के या किसी अन्य तरीके से पूछा गया तो आपके पास वो सभी पॉइंट होंगे, ताकि आप आंसर दे पाओ और सोचो नहीं यहां से, ठीक है, आपके पास ये टाइम ना लगे कि आपके प्रैक्टिस देखिए आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर बिना सोचे कैसे लिखते हैं या किस तरह की बातें कर रहे हो। ठीक है, जब आप आईएएस मेंस देंगे या फिर आप टेस्ट देके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। टाइमर लगाइए, 20 क्वेश्चन लीजिए और उस लेवल के, ताकि आप लिख सको 20 क्वेश्चन, यानी कि 10 जो है 250 वर्ड्स में, 10 जो है 150 वर्ड्स में, और आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, जब टाइम नहीं बचेगा तो आपको एनालाइज हो जाएगा कि किस चीज को यूज करना, वो कैसे पॉइंट लिखने हैं, कैसे क्या करना है, आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, तो हमारी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए। देखिए, वो आप ऐसे मत सोचे कि सोचना नहीं पड़ रहा है, ये क्या हो रहा है, आप ऐसे सोचिए कि वो जो आप कार्य कर रहे हैं ना, वो हमारी प्रैक्टिस इतनी है, हमारी मेहनत इतनी है, हमने इतनी तरीके से चीजें कवर की गई है कि आपको टाइम नहीं लग रहा है, वो सब कुछ यहाँ पर इस तरह से फिट है कि बस वो माइंड हमें तुरंत बता रहा है, यहाँ से यहाँ पर उंगलियों में तुरंत चीजें आ रही हैं और हम तुरंत लिखते जा रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा वैसे है, यहाँ पर आपको कवर ऐसे कराई जाएंगी चीजें। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार में राजा राम मोहन राय
ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के योगदान की चर्चा करनी है, यानी कि इन दो महान व्यक्तियों की हमें चर्चा करनी है। किस में? सामाजिक धार्मिक सुधारों में, उनमें किस तरह के योगदान उन्होंने दिए हैं उस पे हम चर्चा करेंगे, पृष्ठभूमि लिखेंगे, मुख्य भाग क्या क्या करेंगे, इनके योगदान किस तरह से निकाले दिए है वो पॉइंट टू पॉइंट जो है वो देंगे। और उसके बाद कुछ सीमाएं की, यानी कि सामने क्या क्या बाधाएं आ रही है। सीमा का मतलब थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ पर हर क्वेश्चन की अपनी एक चीजें होती है, यानी कि सामने क्या क्या बाधाएं आई, यानी कि जो कार्य इन्होंने किए क्या वो उस स्तर तक पहुंच पाए जिसके थिंकिंग मिलेगी इन्होंने कार्य किए थे, और फिर निष्कर्ष। और क्वेश्चन का तो इतना आसान है, बस पॉइंट इंपोर्टेंट है, तो आइए वो देख लेते हैं। देखिए मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। लॉर्ड कॉर्नवालिस की ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का प्रसार करने के लिए, विस्तार करने के लिए, बढ़ाने करने के लिए संदर्भ में भूमिका का विश्लेषण हमें करना है। इनकी किस तरह की भूमिका रही थी इस चीज के लिए, बस इस पे हमें बात करनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कॉर्नवालिस जो था उसका गवर्नर जनरल टाइम पीरियड देखिए उसको बता, क्योंकि पर्टिकुलर एक व्यक्ति के ऊपर क्वेश्चन आया है और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर उनके काम के बारे में, किस तरह कार्य किए जिससे क्या हुआ, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विस्तार हो गया, वो उसको बढ़ावा मिला, ठीक है, वो स्थिर हो गया, तो वो चीज क्या है उसके बारे में जो हम पॉइंट दे रहे होंगे उससे पहले किसी व्यक्ति के बारे में बताना जरूरी है कि भाई ये इस तरह का व्यक्ति और इनका काल जो है ये रहा, वो याद रखना, ठीक है। और कुछ कुछ ही आएंगे। देखिए काफी बार हम बर्डन ले लेते हैं कि यार इतने कैसे याद करेंगे, इतने सबको कैसे याद करेंगे। कुछ उन्होंने जो है बड़े स्तर पर काम किया, छोटे स्तर पर चीजें जो होंगी वो हो सकता है प्रीलिम्स के अंदर पूछी जाए, मगर मेंस में जो है वो इम्पोर्टेंट ये है कि जिन्होंने अच्छे तरीके से कार्य किया है ना वहीं पर ही पर्टिकुलर क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, नहीं तो फिर सिर्फ एक लाइन के अंदर ही आएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बस उनकी डेट के बारे में बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अपने प्रशासनिक एवं अन्य सुधारों के द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कंपनी से राज्य के रूप में जो है परिवर्तित कर दिया, समझ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने न्याय व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, कर प्रणाली, स्थानीय शासन और लोक सुरक्षा आदि में जो है अनेक सुधार किए। उन्होंने कैसे चीजों को चेंज कर दिया, कैसे उन्होंने चीज को स्थिर बनाया, कैसे सुधार किया, पहले क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ उसके पॉइंट हम देंगे, ठीक है, जिससे ये लगेगा कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीज को स्थिर बना दिया, औपनिवेशिक शासन को जो है बढ़ावा दिया, वो स्थिर हो गया, उसका विस्तार हो गया, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स को दूर किया और जहां प्रॉब्लम्स जो है आंतरिक थी उनमें कुछ सुधार किया, यानी कि बाहरी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन किया उसमें एक दो पॉइंट बताएंगे और आंतरिक प्रॉब्लम में क्या क्या सुधार हुए, क्या क्या जिससे कि चीजें बड़ी कनेक्ट हुई, ठीक है, तो वो पॉइंट्स हम देंगे। तो कौन कौन से पॉइंट दे सकते हैं उसके बारे में ये पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। कॉर्नवालिस ने जो है मौजूदा व्यवस्था के मुगल तत्वों को अंग्रेजों के नियंत्रण के लिए उपयुक्त बना दिया, न्यायाधीशों और अनुबंधित सिविल सेवाओं के सदस्यों के रूप में जो है यूरोपियों ने देश और उसके मामलों पर ब्रिटिश की मजबूत पकड़ बनाई। आपके पास चीजें पॉइंट क्या होगा, ये चीजें आपको पता चले कि भाई हाँ ठीक है ऐसे चीजों का यूज करना है, मगर आप ध्यान रखिएगा जैसे कि यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यही क्वेश्चन जो है सेम या कुछ अन्य तरीके क्वेश्चन जो है वो 150 वर्ड्स के अंदर आता है और आपको सारे पॉइंट का यूज नहीं करना, आपको 3 या 4 पॉइंट का यूज कर लेना है, क्योंकि हमें अपनी वर्डिंग को ध्यान में रखना होता है, हम चीजों को आपको बता रहे हैं, आप 4 का यूज कर लीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, बस वो ध्यान रखना है कि हम कौन से पॉइंटों का यूज करेंगे वो क्वेश्चंस बताएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ठीक है, बस इसी को ध्यान में रखना है, अपनी तैयारी करनी है आप लोगों को, क्योंकि ध्यान में रखिए मई में एग्जाम होने वाला है, उससे पहले अपना ऑप्शनल और अपने मेंस जो है वो तैयार कर लीजिए, मेंस के सब्जेक्ट जो है वो तैयार कर लीजिए, क्योंकि उतना टाइम नहीं रह गया, यदि आपको लगता है कि काफी टाइम है, बिल्कुल भी नहीं है, एक सब्जेक्ट आप देखिएगा कि आपके सिलेबस के अंदर कितने सब्जेक्ट है, उस एक सब्जेक्ट को प्रॉपर अच्छे से तैयार करने के लिए आपके पास टाइम ही कितना बचा है, डिवाइड करके देखिएगा, कभी आप बैठिएगा क्लास देने के बाद और डिवाइड कीजिएगा कि आपके इतने सारे सब्जेक्ट हैं और आपने कितने तैयार कर लिए हैं अच्छे से और कितने रह गए हैं, यदि करने हैं तो उनमें कितना ही टाइम मिलेगा एक सब्जेक्ट के लिए आपको सोचिएगा, क्योंकि आप फिर 2-3 महीने जो है प्रीलिम्स की तैयारी करोगे बाद में, तो मेंस तैयार करना है, अपना ऑप्शनल तैयार करना है, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा इस चीज का, तो प्लीज फोकस कीजिए अपने एग्जाम, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए 2024 में कोई भी एग्जाम देने वाला है तो प्लीज फोकस कीजिए, हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करा रहे हैं तब तक बहुत सारे, क्योंकि सेप्टेम्बर में मेंस होगा तो इतने क्वेश्चन हम काफी क्वेश्चन हम कवर करा देंगे, बहुत सारे सब्जेक्टों के बहुत सारा हिस्सा, कम से कम 70-80% चीजें वो कवर हो चुकी होंगी,
बहुत सारी अन्य चीजें भी हम लेके आएंगे, वो आपके जो है अपडेट कर दिए जाएंगे ताकि आपकी मेंस में और प्रीलिम्स में हेल्प हो सके, आपका जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके, वो हम कार्य करेंगे। मगर प्लीज आप भी थोड़ा सा फोकस करके चीजों पे लग जाइए, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए कि वहां बम पटक रहे हैं, वहां बम पटक रहे हैं, वो बम मार दिया है, उस ड्रोन वो वाला ड्रोन जो है बम मार रहा है, इस चीज में मत फोकस कीजिए। मैं मान रहा हूं कि उस तरफ चीजें जाती हैं कि कौन सा ड्रोन है, क्या है, क्या हो रहा है, किस तरह चीजें हो रही है, अब किसी ने क्या ट्वीट कर दिया है, अब कौन क्या कर रहा है। देखिए यदि आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है तो आप कोई ना कोई जो है मैगजीन रीड करते होंगे करंट के लिहाज से, और हम करंट के हिसाब से कुछ चीजें लेके आएंगे आप लोगों के लिए ताकि आपका पूरा करंट तैयार हो सके एक साथ। मगर आप थिंकिंग करिएगा कि वो चीजें आपकी मैगजीन या किसी अन्य चीज से तैयार हो जाती हैं तो आपको वहां पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई न्यूज चैनल चाहे एजुकेशन चैनल इस तरह की चीजें प्रोवाइड करा रहे हो, वो अपने लिए कराते हैं आपके लिए नहीं। तो प्लीज फोकस कीजिए अपने एग्जाम पर, आपका उतना टाइम नहीं बचा है जितना अभी आप सोच रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि अभी टाइम है, मई में एग्जाम है, मई में कुछ भी टाइम नहीं रहा है, बाद के 2 या 3 महीने टेस्ट सीरीज के अंदर या फिर अन्य चीज के अंदर बीतेंगे, यहाँ पर हम आपके लिए प्रीलिम्स की चीजें लेके आएंगे और वहां पर प्रैक्टिस होगी उस चीज की। अभी मेंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, मेंस के सारे सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसने तीसरे और आंगन मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान को हराकर कंपनी की ओपनेसिक सीमाएं सुरक्षित कर ली, क्योंकि वो एक खतरा था, उन्होंने उस चीज को हरा दिया। तो इस तरह के पॉइंट यूज कर लेने हैं, ठीक है। श्री रंगापट्टनम की संधि में जो है निधारी शांति ने मैसूर से खतरे को सीमित कर दिया, जो कि जो है यकीन में उनके लिए जो बड़ा शत्रु था कि भाई उस चीज से हमें खतरा है, अंग्रेज को ब्रिटिश को उस चीज से खतरा है, तो उन्होंने उस चीज को सीमित कर दिया, उस खतरे को जो है वो सीमित कर दिया, समझ रहे हैं। तो वो भी एक पॉइंट है कि चीजों को स्थिर किया, यानी कि उनके शासन को स्थिर किया, उसको बढ़ावा दिया, समझ रहे हो, सपोर्ट मिली कि हाँ अब उतना खतरा नहीं है किसी बाहरी चीज से। तो ये बाहरी चीज से उन्होंने कार्य किया है, और आंतरिक चीजें अब देखते हैं, वो पॉइंट देख लेते हैं कि जो आंतरिक चीजों में सुधार हुआ है। आधुनिक प्रशासन, देखिए उन्होंने भारत में सिविल सेवाओं की प्रणाली में सुधार और पुनर्गठन किया, उन्होंने जो है सिविल सेवकों के वेतन में वृद्धि, निजी व्यापार के खिलाफ जो है नियमों को सख्ती से लागू करने, उपहारों रिश्वत जो वो लेते थे ना इधर उधर अपने कार्य के लिए, क्योंकि वेतन कम होता था, वेतन कम होता था तो वो क्या करते थे, निजी व्यापार करते थे, क्योंकि उनको जो है मिल गई थी चीजें, अब वो निजी व्यापार अपना बढ़ावा कर रहे थे ब्रिटिश चीज का नहीं। उन्होंने उस चीज में आके जो है उस पर रोक लगाई, और जो प्रमोशन होते थे वो वरिष्ठता के माध्यम से होने लगे, यानी कि जो पद जो है पदोन्नति होती थी वो लागू कर, जिसमें भ्रष्टाचार था उसको खत्म किया। उन्होंने इस तरह के कार्य किए जो हम देख रहे हैं कि वो कैसे कैसे चीजों को स्थिर कर रहे हैं, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को कैसे स्थिर कर रहे हैं, कैसे इसको बढ़ावा दे रहे हैं, कैसे इसका विस्तार कर रहे हैं, ठीक है, उस तरह के पॉइंट हम ले रहे हैं। न्यायिक सुधार की बात करें तो उन्होंने जो है अदालतों की एक नई प्रणाली की स्थापना की, न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से अलग कर दिया, और मुकदमेबाजी में वृद्धि भारत में औपनिवेशिक शासन की बढ़ती लोकप्रियता वैधता का प्रमाण थी, अपना पॉइंट दिया। अगला क्या हो सकता है कि वह राजस्व में स्थिरता आई, बंगाल के स्थायी बंदोबस्त, देखिए इस तरह का कोई पॉइंट आप यूज करेंगे कि भाई इस तरह की चीजें लेके आए थे बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लेके आए थे, आप किसी चीज का पैसा यूज करोगे तो उसका बता दीजिए वो कब हुआ था, 1793 में, याद रहे ठीक है, नहीं रहे तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई भाग टूट जाएगा, नहीं, अब बस आपको यूज करना जरूरी है, ठीक है। भूमि में सुधार को प्रेरित करने और कंपनी द्वारा जो है राजस्व संग्रह को स्थिरता प्रदान करने के लिए राजस्व की मांग अस्थायी रूप से तय किया गया था, तो वो सारे पॉइंट हमने देख लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अब वो कुछ पॉइंट देख लेते हैं, यानी कि वो क्या सीमा रेख, जो चीज वो नहीं कर पाए, उनके मुद्दे वो सीमाएं, उनके कुछ पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। इसलिए पुलिस, न्यायपालिका, सरकार आदि के मामलों में जो है गवर्नर जनरल में केंद्रित शक्तियों के साथ जो है सत्तावादी व्यवस्था का बढ़ावा दिया, जैसे कि सदर गवर्नर जनरल के अधीन अपील की सर्वोच्च अदालत निजाम अदालत, ठीक है, कुछ बात की उसके जैसे कि ये, कुछ बात की जैसे कि ये, है ना, अपनी पॉइंट के अनुसार इस तरह की चीजें आप यूज करना अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं, कोर्ट वाले सुधारों में जो है प्रतिक्रियात्मक पहलुओं को संबोधित किया लेकिन कानून की मूल विशेषताओं में सुधार नहीं कर सका। उदाहरण के लिए आपने कोई पॉइंट दिया, अब उदाहरण के लिए कुछ बात बोली, उदाहरण के लिए, है ना, वो चीज अच्छा होता है, एग्जामिनर को ये चीज प्रभावित करती है, आपकी नॉलेज नहीं, आपके बताने का तरीका, आपका प्रस्तुतिकरण, और आपने पूरा आंसर दिया है, अच्छे से प्रस्तुत किया है, तो उसका पढ़ने का मन करता, ठीक है।
बस उसको अच्छे से, और वो कब होगा जब आप उस तरह से प्रैक्टिस करोगे, उसको उस वे में लेके आ जाओगे, तो बस उस चीज में लगे रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपराधिक कानून जो है नहीं, अंतर्निहित दोषों के साथ मुस्लिम कानून पर आधारित था। जो आपराधिक कानून है वो कई अंतर्निहित दोषों के साथ जो है मुस्लिम कानून पर आधारित था। अपना एक पॉइंट बताया और उसका एग्जाम्पल। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त में जो है अब तक राजस्व वसूल करने वाले जमींदारों को अंग्रेजी के अर्थ में जमींदार कहा, और किसान काश्तकार बन गए। ठीक है, भूमि के हस्तांतरण और अनुपस्थित जमींदारवाद ने जो है किसानों और जमींदारों के बीच में जो है पारंपरिक संबंधों को प्रतिरूपित कर दिया और कई किसान विद्रोह का कारण बना, जैसे कि कोल विद्रोह, फ्राजी। ठीक है, तो इस तरह के आप अपनी बात बताएंगे, फिर अपना कुछ एग्जाम्पल कि भाई ये चीज की थी जिसके कारण क्या हुआ, किसान विद्रोह हुए, और फिर ऐसा नहीं कि बस हमने बात बोल दी कि हाँ कुछ इस तरह की कार्रवाई की गई और फिर किसान विद्रोह हो गए और बात खत्म हुई। नहीं भाई, आपने बताया कि कुछ इस तरह की चीजें अपनाई गई थी जिसकी वजह से इस तरह की चीजें हो गई, यानी कि ये हुआ जिससे किसान विद्रोह हुए, और आप किसी किसान विद्रोह का जिससे उस कारण से हुआ था उसका जिक्र तक ना करें तो वो अच्छा नहीं लगता, वो अधूरापन नजर आता है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि कहां पर यूज करना है कहां पर नहीं करना है, ये भी सीखते चलेगा साथ में कि कहां पर जरूरत होती है। देखिए एग्जाम्पल की इस तरह की चीजों की जहां पर जरूरत होती है बस वहां पर हमें करता चलना है। ठीक है, जबरदस्ती किसी चीज को ना ही तो इंक्लूड करना है और ना ही छोड़ना है। अपना आंसर एक अच्छा आंसर, संतुलित आंसर होना चाहिए। किसी ने ये बोल दिया कि ये करना चाहिए तो उधर ही चल दिए, भेड़ मत बनिए। अपने माइंड के साथ अच्छे से ये सोच के चले कि हाँ भाई यहाँ जरूरत है तो मैं यहाँ यूज करूंगी या करूंगा, जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं करने का, टेंशन नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अदालतों के जो है यूरोपीयकरण ने जो है मुंसिफ के बहुत निम्न स्तर को छोड़कर भारतीयों को न्यायपालिका से बाहर कर दिया, जिससे क्या हुआ, बड़ी चीज क्या, 1857 सिपाही विद्रोह ने स्वतंत्रता के पहले युद्ध में मूल निवासियों के अलगाव का एक प्रमुख कारक था, यानी कि वो 1857 के रूप में विद्रोह हुआ उसमें एक प्रमुख कारक के रूप में चीजें हो गई। तो अपनी भाई कुछ चीजें उन्होंने की, उसकी कुछ सीमाएं, उसके कुछ मुद्दे हमने प्रस्तुत किए, वर्डिंग अधिक है ये ध्यान में रखिएगा, बस उसको कम आपको कैसे करना है अपने अनुसार। आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर 125 में 150 में कैसे आ रहा है, बस वैसे ही चीजें करनी है। आपके पास चीजें पॉइंट टू पॉइंट जा रही है, आप उसको कम करके अपने क्वेश्चन क्या पूछा गया है उसके अनुसार चीजें कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, निष्कर्ष की बात करते हैं। भारत के प्रशासन में कॉर्नवालिस का शासन करने वाला विचार भारतीयों के लिए नहीं बल्कि इंग्लैंड के लिए भारत का होना था। कॉर्नवालिस कोर्ट ने जो है कई सुधार के साथ सेवाओं, अदालतों और राजस्व संग्रह आदि के लिए जो है मानकों का निर्धारण किया, जिससे भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण की प्रभावशीलता में सुधार हुआ। आइए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार में जो है राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद विद्यासागर के योगदान की हमें चर्चा करनी है कि भाई उनका और उनका किस तरह से योगदान किया, उन्होंने क्या क्या किया, वो सारे पॉइंट का यूज करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, बस ऐसे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए 19वीं 20वीं शताब्दी तक जो है भारतीय समाज और धर्म अनेक रूढ़िताओं और कुप्रथाओं से ग्रस्त था। ठीक है, जाति प्रथा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, इतनी सारी बीमारियां थी, बीमारियां ही हैं, प्रॉब्लम जो है इतनी गंदी प्रॉब्लम जो है वो बीमारियां ही होती हैं, छुआछूत जैसी बीमारी नहीं है। कुछ सोच के देखिएगा कि हम क्या करते हैं, कुछ इंसान है जो हमारे जैसे ही है, हमारी तरह की बुद्धि भी रखते हैं, कुछ भी कम भी रखते हो तो भी क्या हुआ, वो छुआछूत की क्या बात आ गई भाई। तो वो प्रॉब्लम्स ये क्या है, ये मानसिक बीमारियां हैं, कुरूतियां हैं। ठीक है, ये विकृति है, मानसिक विकृति, तो वो उस टाइम पीरियड पे थी जो दूर करनी जरूरी थी, तो उन्होंने उसका करने का प्रयास किया था, उसमें उन्होंने इन्वॉल्व हुए थे कि इस चीज को दूर करना चाहिए। ठीक है, आज भी कुछ मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, हम किन किन आधारों पर क्या करते हैं, आते हैं हेल्प करने के लिए, अपने चीजों को पढ़ने के लिए आते हैं, मगर कहां पर हम आईएएस और पीसीएस बनने वाले हैं और हम ये भी निर्धारित नहीं कर पाते, एक छोटी सी चीज भी निर्धारित नहीं कर पाते कि क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीज हमारे लिए सही नहीं है। हम 1-2 साल में अपनी पूरी तैयारी करके जो है एग्जाम क्रैक करना है, मगर हम लगे कहां पर रहते हैं, हम इतना भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, हम बड़े बड़े जो है चैनल्स में, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर बड़े बड़े इस तरह की चीजें होती हैं जहां पर करंट की चीजों का फायदा उठाकर जो यूपीएससी के लिए या फिर पीसीएस के लिए इंपोर्टेंट है भी नहीं,
और छोटर मोटर जो दो एक दो लाइन वहां पर मिलती है ना, वो उससे ज्यादा बच्चे से बहुत बेहतरीन तरीके से, जहां आप करंट पढ़ते हैं या मैगजीन्स पढ़ते होंगे वहां पर अच्छे से मिल जाती है यदि आपके लिए जरूरी है तो। मगर नहीं, वो पूरा टाइम वेस्ट होता है और हमें ऐसा लगता है कि साथ पढ़ाई हो रही है, जो कि आपको देखना चाहिए कि आप किसी नॉर्मल एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, आप आईएएस बनने वाले हो, पीसीएस बनने वाले हो, वहां पर आपके पास जिम्मेदारियां होंगी, आपको यहीं से चीजें सीखनी होंगी कि हमारे लिए क्या जरूरी है, आप ये भी नहीं कर पाओगे तो दूसरों के लिए क्या जरूरी है, क्या आपको उनके लिए करना चाहिए, आप किस तरीके से इनिशिएटिव ले सकते हैं, फिर वो कैसे कर पाओगे। पहले अपने लिए तो करना सीखिए कि भाई हम यूट्यूब पीछे जाते हैं, ये करते हैं, हम किस तरीके, हमारे लिए सही है। कुछ लोग इस तरह से आधारित कर लेते कि भाई 500 400 200 100 व्यू है, हम क्या इंपोर्टेंट होगा, इस पे लाखों व्यू है मगर अच्छी चीज नहीं है, मगर वहां जाते हैं, इतना भी छोटी चीज भी निर्धारित नहीं कर सकते, कमाल है भाई। तो वो आईएएस पीसीएस किस राह पे चल रहे हैं उनका भगवान मालिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चीजों में सुधार करने की जरूरत है और वो हम लगातार बोलते रहेंगे सुधार आएगा। ठीक है, आहिस्ते आहिस्ते सुधार वो आएगा। आप लोग भी प्रयास कीजिएगा, ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि अन्य चीजों के पास जाएं, वो कहीं भ्रमित ना हो, कहीं अन्य जगह भटक ना जाए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये बीमारियां थी जो ये प्रथाएं थी जो ये बुराइयां थी, इससे भारतीय जीवन ग्रस्त था। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो है और ईश्वर चंद्र विद्यासागर पुनर्जागरण के दो प्रमुख व्यक्ति थे, इन्होंने बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहे, आइए वो सब देखते हैं। ठीक है, तो सामाजिक धार्मिक जागरण के अंदर, पुनर्जागरण के अंदर, सुधारों के अंदर इन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, इनके बारे में कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, आइए वो देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ऊपर, तो उनके बारे में हम क्या क्या पॉइंट ऑफ यूज कर सकते हैं, आप दिमाग में लाइएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है भाई, सामाजिक धार्मिक जो जागरण है, जो सुधार है, इनका योगदान किस तरह से रहा, दो महान व्यक्तियों का उसके बारे में बात हुई है और वो हम बात कर लेंगे। मगर इंपोर्टेंट क्या है, हो सकता है राजाराम मोहन राय किसी अन्य के साथ आ जाए, हो सकता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर कुछ अन्य तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए और वो किसी अन्य महान व्यक्ति के साथ कनेक्ट करके पूछ लिया जाए, भाई इन दोनों व्यक्तियों का क्या हिसाब रहा है ना। बस आपके पास, आप दिमाग से यहां से खुला रखिएगा कि हमारे पास पॉइंट आ गए, इनके भी और इनके भी, इनके भी पॉइंट है और इनके भी पॉइंट है। अब आप यदि आप सुधारों की बात करोगे, आप योगदान की बात करोगे, तो हमारे पास पॉइंट है, आप किसी के साथ कनेक्ट करके पूछोगे तो उस तरह के क्वेश्चंस भी सब क्वेश्चंस क्रिएट होंगे। हिस्ट्री का पूरे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट जो है मेंस के, वो कवर होंगे, टेंशन नहीं लेनी, यहाँ सब कुछ कवर होगा, सारे पॉइंट्स आपके पास आएंगे। मगर क्वेश्चन इधर उधर करके चीजें पूछी गई तो आपके पास पॉइंट जो है आपको बार 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 वीडियो देखती रहनी है ताकि आपकी चीजें समझ में आ जाए। अब बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, उन सब पॉइंट्स में क्या क्या योगदान उनके रहे, सुधार में उन्होंने क्या क्या भूमिका निभाई। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, कुलीन बहुविवाह के खिलाफ जो है अभियान चलाया। ठीक है, और उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की और बाल विवाह की निंदा की। ठीक है, किन्होंने, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, उनका दृढ़ विश्वास था कि उनकी शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए उन्होंने जो है बंगाल में लगभग लड़कियों के लिए जो है 35 स्कूल खोलने की मदद की और इससे महिलाओं की स्थिति में जो है और सामाजिक जीवन में उनकी स्थिति में सुधार हुआ। ठीक है, उन्होंने धर्म सुधार में वेदों के महत्व की वकालत की और सभी धर्मों के बीच में जो है मौलिक एकता का बरकरार रखा। ठीक है, उन्होंने वेदांत के एक ईश्वरवाद पर जोर दिया। उन्होंने उदाहरण के लिए की बात कर सकते हैं, उदाहरण के लिए उन्होंने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया जिसका बाद में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ठीक है, जी समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। उनके अथक प्रयास के कारण जो है पहला हिंदू विद्या पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पेश किया गया था। ठीक है, उन्होंने संस्कृत और बंगाली साहित्य के अध्ययन को जो है प्रोत्साहित किया, भारतीयों के विचारकों को आधुनिक बनाने के लिए संस्कृत महाविद्यालय में पश्चिम विचारों के अध्ययन की शुरुआत की। इन्होंने, राजाराम मोहन राय ने जो है सती प्रथा के उन्मूलन के लिए जो है औपनिवेशिक सरकार और धर्म गुरुओं के साथ पैरवी की। 1829 में जो है विलियम बेंटिंग ने इस प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया। वह मूर्ति पूजा और अर्थहीन अनुष्ठानों के पालन के आलोचक थे। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, पॉइंट मिलते जा रहे हैं, बस यही तो यूज करना है और क्या है, वो इतना बर्डन नहीं है,
बस आप नियमित रूप से लगे रहोगे तो चीजें हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी। आगे बढ़ते हैं, पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए जो है कई उल्लेखनीय व्यक्तियों और समाज सुधारों पर जो है जीवन नोट सहित महत्वपूर्ण साहित्य रचनाएं लिखी, जैसे कि बाल्य विवाह, बाल विवाह के दोषों पर, ठीक है। उन्होंने भारत के जो है आधुनिकीकरण के लिए अंग्रेजी भाषा सीखने, साहित्य, वैज्ञानिक उन्नति और प्रौद्योगिकी की वकालत की। उदाहरण के लिए उन्होंने जो है 1825 में वेदांत कॉलेज खोला। तो चीजें समझ में आ रही हैं, वह चीजें कैसे कैसे किसे किसे हो रही हैं, किधर धार्मिक सुधार में उन्होंने क्या योगदान दिया, इन्होंने क्या योगदान दिया, वो सब चीजें पॉइंट्स हो रही हैं। आप क्वेश्चन इधर उधर से कनेक्ट करके पूछे, बस आपको बार बार वीडियो देख के ये पॉइंट जो है यहाँ पर ले आने हैं। मैं जानता हूं कि राजा राम मोहन के बारे में आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, मगर वो जब चीजें आती हैं, जब मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं योगदान के बारे में, अन्य चीजों के बारे में, वो तो पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना होता है। तो बस आपको वैसी चीजें कवर करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं सीमाओं, सीमा को मतलब इनके सामने क्या क्या बाधाएं रही या फिर इन्होंने जो कार्य किए वो कहां तक सफल रहे, यानी कि उन्होंने कर तो दिया मगर उनका जो व्यवहारिक था चीजें वो उतना नहीं हो पाया, वो जो उन्होंने सोच के किया था वो उनको उस तरह का परिणाम नहीं मिल पाया, ठीक है। तो आइए वो पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा के लिए राजा राम मोहन राय की वकालत और एक ईश्वरवाद की नैतिक श्रेष्ठता के बारे में दृढ़ विश्वास समकालीन उपनिषद का एक उत्पाद था। दूसरी बात करें विद्यासागर जी की, तो विद्यासागर के सुधारों ने जो है उच्च जाति के हिंदुओं को शामिल किया, निचली जाति और मुसलमान उनकी सक्रियता में हाशिए पर रहे, यानी कि वो उनसे छूट गए, वो वहां तक चीजें नहीं पहुंच पाई। तो ये क्या है, ये इनकी सीमाएं हैं, अलग अलग क्वेश्चंस अलग तरह की सीमाएं होती, समझ रहे हो, उनके सामने क्या मुद्दे होते हैं, किस तरह चीजें होती हैं, वो अलग अलग मैटर करता है, ये क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। उनका संकीर्ण सामाजिक आधार था, उनके सुधार समाज के एक बहुत छोटे वर्ग को छू सकते, उदाहरण के लिए जो है कानून के बावजूद विधवा पुनर्विवाह एक वर्जित और दुर्लभता बनी रही, यानी कि वो कानून तो बन गया मगर व्यवहारिक रूप से जो लोगों की थिंकिंग थी, जो सोच थी, वो वैसी ही बनी रही और जिस तरह के कार्य पहले होते थे वो होते रहे। उनको फिर भी वो सम्मान, वो जगह जो करना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था, जिस उद्देश्य से वो कार्य किया गया था, वो कानून बनाया गया था, वो व्यवहारिक रूप में उसको वो चीज नहीं मिली, समझ रहे हो। तो बस ये चीज सीखते चलना है, ठीक है। अब बात करते हैं निष्कर्ष पर, देखिए 19वीं शताब्दी में धार्मिक सुधार, यानी 19वीं 20वीं शताब्दी की बात करें तो धार्मिक सुधार आंदोलन भारतीयों में सामाजिक धार्मिक चेतना जगाने में सक्षम थे। विद्यासागर और रॉय, यानी कि राजाराम रॉय की बारे में बात हो रही है, ईमानदार व्यक्तियों के तहत सुधार आंदोलन में सामाजिक धार्मिक विचारों की जो है तर्क संगत समझ पर जोर दिया, एक वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया। तो किस चीज को कैसे कर सकते हैं, उसकी शुरुआत, उसका निष्कर्ष, उसके मुख्य बात, किसको कैसे समझना है, उसकी डिमांड क्या होती है, रोल मॉडल से चीजें पूछी गई हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे कैसे पॉइंट होते हैं और इनका यूज क्या होगा। आपका हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से नहीं है चीजों को, विद्यासागर को जो है किसी अन्य के साथ, राजा राम मोहन राय को किसी अन्य के साथ कनेक्ट करके पूछ ले जाए, मगर आपके पास पॉइंट होंगे, आप योगदान मान लिया वहां पूछा गया है, मगर किसी अन्य व्यक्ति के साथ पूछा गया है, हम वो भी चीज कवर कराएंगे तो उन दोनों व्यक्ति को आप साथ में लिख सकते हैं, समझ रहे हो। यहाँ पर दो व्यक्ति कवर हुए, वहां पर कुछ अन्य कवर होंगे, वो उनमें से एक यहाँ से एक वहां से कनेक्ट हुआ तो बस आपको कनेक्ट करनी है, चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। और प्लीज कमेंट करते रहिएगा, जब आप कमेंट करते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसे हेल्प कर रही है, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों की हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।